सो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज चैनल पे दिक्कत आ गई है। वो किस कारण आई है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप एक यूट्यूबर है तो, और आपका टैग चैनल है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे जो कॉपीराइट स्ट्राइक आई है उसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों आई है। कि मैंने खुद का कंटेंट यूज किया है फिर भी मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, ये कैसे हो सकता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई फेक कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं है, और मैंने किसी एक कंटेंट भी यूज नहीं किया है फिर भी मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मिली है। और 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आने के बाद हमारा चैनल हो जाता है टर्मिनेट और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसे कि मेरी कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, ये अक्टूबर में जाके एक्सपायर होगी, और मैंने उससे पहले मैंने रिक्वेस्ट भी की है जिसने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, उससे मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे चैनल से कॉपीराइट स्ट्राइक हटा लो, मैं दोबारा इस प्रकार का काम नहीं करूंगा। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया था और मेरे चैनल पे आ गए कॉपीराइट स्ट्राइक। तो चलिए गाइस, करते हैं आज के वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मेरा नेम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे सेटेक स्टूडियो। तो चलिए गाइस, देखते हैं आगे की वीडियो। सो गाइस, तो जैसे कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई है उसका ये रीजन है। जैसे कि कैमटेशिया का वर्जन 9 आया था, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है कैमटेशिया 9 का फुल वर्जन, जो कि 21,000 कुछ रुपए का है। तो वो मैंने फ्री में बता दिया कि आप अपने पीसी के अंदर फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो टैक्स स्मिथ कॉरपोरेशन के द्वारा बनाए गए कैमटेशिया, मतलब जो कंपनी है उनकी, वो टैक्स स्मिथ कॉरपोरेशन है। तो टैक्स स्मिथ कॉरपोरेशन ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। तो मतलब जो कैमटेशिया का मैंने क्रैक वर्जन बताया था, तो डायरेक्ट जो टैक्स स्मिथ कॉरपोरेशन है उसने मुझे डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। तो इस प्रकार से आपने अगर आपके चैनल पर कैमटेशिया की वीडियो डाल रखी हो, या फिर मोरा के क्रैक वर्जन की वीडियो डाल रखी हो, या फिर एडोब प्रीमियर प्रो के क्रैक वर्जन की वीडियो डाल रखी हो, तो आप हो जाइए सावधान, ऐसी वीडियो नहीं डालनी है। जैसे कि मैंने कैमटेशिया क्रैक वर्जन बताया है, मेरा ही फेस था उसमें, सब डिटेल मैंने ही बताई थी। तो बस जैसे कैमटेशिया का जो कंपनी है वो, उनके पास ऐसी परमिशन होती है कि वो ऐसे हमारे साथ कर सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं। अगर हम वॉयलेशन के खिलाफ जा रहे हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं। तो अभी तो मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है जो कि अक्टूबर में रिमूव होगी। अगर उससे पहले उन्होंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली मेरे वाले, तो ये मेरी पहले भी रिमूव हो सकती है, क्योंकि कंपनी के हाथ में है ये कॉपीराइट स्ट्राइक रिमूव करना। जो भी टैक्स स्मिथ कॉरपोरेशन ने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस कॉपीराइट स्ट्राइक को रिमूव कर दिया जाए। मैंने उनके पास मेल भी सेंड की है, अगर उन्होंने वो वाली मेल देख ली और पढ़ ली तो शायद वो बात मान जाए, क्योंकि इस टाइप से मैंने टाइप किया था। सो गाइस, तो आप भी ऐसा गलत काम बिल्कुल मत कीजिएगा। मुझे ऐसा पता नहीं था कि क्रैक वर्जन बताने से कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, तो मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई। मैं सबसे पहले हैरान रह गया था कि मेरा ही कंटेंट है, मैंने फेस कैम भी किया है, मैंने अपनी आवाज़ भी यूज़ की है, तो भाई कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आ सकता है। तो बाद में मैंने थोड़ी तहकीकात की तो मुझे पता लगा कि टैक्स स्मिथ कॉरपोरेशन का जो कैमटेशिया 9 वर्जन है वो 21,000 कुछ रुपए का आ रहा है, और मैंने वो फ्री में कैसे यूज करे उसका क्रैक वर्जन बता दिया है, तो इसलिए उन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दी है। तो आपके चैनल पर भी फिल्मोरा की, एडोब प्रीमियर प्रो की, या फिर कोई और भी क्रैक सॉफ्टवेयर के बारे में आपने बता रखा है, तो ये यूट्यूब पे इलीगल माना जाता है और कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है जो भी इसका ऑनर होता है। सो गाइस, तो इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि किसी का भी क्रैक वर्जन हमें नहीं बताना चाहिए यूट्यूब पे, ये सब कुछ इलीगल काम है। तो सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।